Hello students, I am Rajiv Vasis. Now we are going to start exercise 2.2 of inverse trigonometry. We are going to discuss one by one each and every question of the exercise. हम हर एक question discuss करेंगे, ठीक है? Before going to it, आप लोगों को formulas जो होने चाहिए वो बहुत जरूरी है याद करने. उन्हीं formulas का यहाँ पर use हम करते हैं, ठीक है? आप जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन है उसके अंदर क्वेश्चन हमारे पास गिवन है भाई, जो आपने सॉल्व करना है दैट इज 3 sin inverse x. आपको जो यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग. तो 3 sin inverse x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, राइट? x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल माइनस 1/2 टू 1/2. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसे सिंप्लीफाई करना होता है तो हमें खास तौर पर बेटर ये हमारे पास रहता है कि हम राइट हैंड साइड को लें. जो हमारे पास यहां पर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये हमारे पास है, और यदि मैं यहां पर x की वैल्यू साइन थीटा पुट कर देता हूं तो ये हमारे पास आएगा दैट इज साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin3 थीटा. और आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो हमें ये पता है कि ये जो फार्मूला है दैट इज साइन ऑफ 3 थीटा का फार्मूला होता है. आप यहां पर बिकॉज करके कह सकते हैं कि साइन 3 थीटा का फार्मूला हमारे पास ये है, दैट इज 3 sin थीटा. अब यहां से क्लियरली कह सकते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला था 3 sin थीटा माइनस 4 sin3 थीटा का, ये हमारे पास फार्मूला है. और हमें ये भी पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, राइट? तो हम यहां से सीधा 3 थीटा कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहां पर आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया है, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x. तो आप यहां पर इस थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो 3 sin inverse x, यही आपको लेफ्ट हैंड साइड पर प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ठीक है? सिमिलरली जैसे हमारे पास ये है, ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है. आप देख सकते हो कि सेकंड क्वेश्चन में भी आपको 3 cos inverse x प्रूव करना था, प्रूव दैट कि ये हमारे पास किसके, दैट इज cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 1/2 to 1, राइट? आप यहां से इस के अंदर भी पुट कर सकते हैं क्या, कि x की वैल्यू पुट कर लें. आप x की वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज cos ऑफ थीटा. तो हम राइट हैंड साइड को ही लेंगे, राइट हैंड साइड को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज cos इनवर्स 4 cos3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, जिससे कि हम यहां पर बता सकते हैं कि हमारे पास cos ऑफ 3 थीटा का जो फार्मूला होता है, राइट, cos ऑफ 3 थीटा का जो फार्मूला हमारे पास है, तो वो हमारे पास क्या है, दैट इज 4 cos3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हमारे पास होता है. ओके, देन आपको जब ये पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है, तो वी कैन इजिली ये कह सकते हैं कि ये cos इनवर्स cos ऑफ 3 थीटा है. और क्योंकि आपको पता है कि cos इनवर्स cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पर 3 थीटा कह देंगे. क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू cos थीटा सपोज कर रखी है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास cos इनवर्स x होगी. तो आप यहाँ से 3 cos inverse x कह सकते हैं, राइट? दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. सो इन दिस वे आप इस क्वेश्चन को भी देख रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है दैट इज 10 inverse 2/11 प्लस 10 inverse 7/24 इज इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट. ओके,
तो आप यहां से देख रहे हो कि हमारे पास हमें प्रूव करना है दैट इज टेन इनवर्स 1/2। ओके, हमें ये बताया है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो यहां पर टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 पे यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहां पर टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 7/24 को ही सिंप्लीफाई करेंगे। वी गेट हमारे पास क्या आएगा दैट इज टेन इनवर्स, यदि आप यहां से एलसीएम लें तो 11 × 24 होगा, और 24 जब हम इसको 11 × 24 को 11 से यदि हम डिवाइड करते हैं 24 आएगा, उस 24 को 2 से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 48, आपके पास 48 आएगा। प्लस इसी टाइप से हम यदि 24 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 77 अपॉन, यहां से आप देख रहे हो कि आपके पास 1 − 14/11 × 24 है, राइट। आप चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा कि आप कैंसिल ना करें तो। ओके, तो आपके पास आया दैट इज टेन इनवर्स, इनको यदि हम ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा दैट इज 125 इज देयर अपॉन 11 × 24, और 11 और 24 की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा दैट इज आप देख सकते हैं 240 प्लस 24 तो 264 हो जाएगा, 264 माइनस 14 अपॉन 11 × 24, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा गया दैट इज 10 इनवर्स 125 अपॉन 250, और दिस इज कैंसिल आउट, आपके पास क्या आया दैट इज 10 इनवर्स 1/2 दैट इज राइट हैंड साइड, ये आपको सॉल्व करना होता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ये क्वेश्चन भी। चलिए वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फोर्थ है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, जहां पर आपको प्रूव करना है प्रूव दैट दैट इज 2 10 इनवर्स 1/2। यहां से आप देखते हो 2 10 इनवर्स 1/2, तो 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17, ये आपके पास है। देखिए ये तो हमें क्लियर दिख रहा है कि शायद कहीं ना कहीं 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन ये यदि पार्ट आप देखते हो इसके सॉल्यूशन में तो यहाँ पर 2 10 इनवर्स एक्स दिख रहा है आपको, कि 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज 10 इनवर्स 2x/(1 − x²). और जब ये हमारे पास इनवर्स के फॉर्म में बन जाएगा तो वहां पर 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y का फार्मूला ही बनेगा। तो फिलहाल मैं आपको पहले 10 इनवर्स 1/2 का फार्मूला लगा के इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, दैट इज 2 × x^(1/2) 1 − 1/2 का होल स्क्वायर, इफ यू सी तो ये आएगा आपके पास दैट इज 10 इनवर्स, इससे कैंसिल हो जाएगा 1/(1 − 1/4), तो यदि आप सोल्व कर रहे हो उसे 10 इनवर्स 1/(1 − 1/4), ये आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज 10 इनवर्स 1/(1 − 4/3) हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास आएगा क्या 10 इनवर्स 4/3 हो जाएगा, राइट। तो अब आप देख रहे हो कि आपके पास जो ये वैल्यू थी इसकी जगह आपके पास आ गया है 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7, तो आप यहां पर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई का फार्मूला हम लगा सकते हैं, तो ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 10 इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 − 4/3 × 1/7। इस पार्ट को मैं सोल्व कर रहा हूँ ऊपर इधर, तो ये आ गया आपके पास 10 इनवर्स, आप यदि इसका एलसीएम ले इज 21 दैट इज 28 + 3
अपॉन, इसी टाइप से इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस 4 बाय 21 है, तो यहां से आप सोल्व करोगे तो आएगा 10 इनवर्स, ये तो आ गया 31/21, और ये आ जाएगा 21, आप एलसीएम ले लेंगे ना, एलसीएम 21 आएगा, 21 माइनस 4 होगा आपके पास, तो यदि आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका जाएगा दैट इज 10 इनवर्स, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 31/17, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव राइट हैंड साइड। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, जो हमारे पास क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे हमें इन क्वेश्चंस को राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। लाइक यदि 1 माइनस x² होता है तो वहां पर हम पुट आदेश करते हैं एक्स की वैल्यू साइन थीटा और कोस थीटा। यदि हमारे पास 1 प्लस x² या x² प्लस 1 दे रखा है तो वहां पर पुट करते हैं एक्स की वैल्यू 10 थीटा और कोस थीटा। यदि हमारे पास x² -1 है तो हम पुट करते हैं एक्स की वैल्यू सीकेंट थीटा और कोस थीटा। लेकिन कई जगह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर a² - x² हुआ तो हम क्या पुट करेंगे। अरे भाई चीज वहां पर क्या है, 1 था एक तरीके से, यहाँ 1 है, 1² कह लो, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू a sin थीटा पुट कर सकते हैं या a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर a² + x² है तो उस समय आप x की वैल्यू a tan थीटा या a cos थीटा पुट कर सकते हैं। और ऐसे ही यदि x² - a² है तो वहां पर x की वैल्यू a sec थीटा या a cosec थीटा आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन यदि आए तो हम उस पर वर्क करेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास है 10 इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस x² - 1 अपॉन x। मान लो ये आपका क्वेश्चन है, आपने इसे सॉल्व करना है। अब आपके लिए कितना इजी हो सकता है ये आप देखें कि आपके पास 1 प्लस x² है तो आपको उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने का मतलब क्या है कि आप इसे सॉल्व करें, पुट करें एक्स की वैल्यू, मुझे पता है अंडर रूट 1 प्लस x² है तो एक्स की वैल्यू 10 थीटा ही पुट करना चाहिए, तो यहां से 10 इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 10² थीटा हो गया, -1 अपॉन 10 थीटा। अच्छा मुझे ये पता है कि 1 प्लस 10² थीटा जो होता है वो sec² थीटा होता है, तो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास 10 इनवर्स अंडर रूट ऑलरेडी है, sec² थीटा -1 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल भी हो जाएगा, राइट दिस वन अपॉन 10 थीटा। अब यदि आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यू गेट sec θ - 1 अपॉन 10 थीटा। जब इस तरह की चीजें दे रखी होती है तो उसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, राइट। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यू कैन सी ये मेरे पास जाएगा 1 ओवर cos θ - 1/1 अपॉन sin θ / cos θ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 10 इनवर्स 1 - cos θ / cos θ एंड sin θ / cos θ। इस cos से cos कैंसिल हो जाएगा और आपका आएगा दैट इज 10 इनवर्स 1 - cos θ / sin θ। अब आपको यहां से ये पता है कि 1 - cos θ का फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2, और sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 into cos θ/2। इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, sin θ/2 से एक कैंसिल हो जाएगा, आपस आएगा क्या 10 इनवर्स sin θ/2 upon cos θ/2। ठीक है, जिसको हम
टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू लिख सकते हैं और आंसर थीटा बाई टू आ जाएगा। अब आप यहाँ से एक चीज को समझ सकते हैं क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास जाएगी तो यही जाएगी, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ से टेन इनवर्स एक्स होगी, तो यहाँ से वन बाय टू थीटा है तो इसको वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स करके हम आंसर कह सकते हैं। सो इट इज क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल आई थिंक, आपको अच्छा सा समझ में आया होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि आप देखें नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है, यदि मुझे इसे राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लेना है तो किस तरीके से करेंगे, देखिए राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन हमारे पास है कि टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये गिवन है, दैट इज मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इट इज गिवन, यहां पर हमारे पास गिवन है। अब आप एक चीज सीखिए, मैंने आपको अभी पीछे फार्मूलाज में सिखा रखा है, आप देखना चाहें देख सकते हैं, मैं आपको बता रखा है आपको, जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन हो या सीकेंट थीटा या कोसिकेंट थीटा, कोसिन ये कोसिकेंट थीटा है, अभी ध्यान रखना ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा है नॉट कोट थीटा, सीकेंट और कोसेक थीटा राइट, ये हमारे पास होना चाहिए। उसी से ही हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं नेक्स्ट। और आप यहां से देखिए, यदि मैं यहां पर सीकेंट पुट करूं या कोसेकेंट पुट करूं, ये चीज मैटर करती है, क्योंकि यहां पर टेन इनवर्स है, मुझे पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन जो होता है वो टेन स्क्वायर होता है, वन अपॉन टेन कोट होगा यदि हम सोल्व करेंगे तो मैं यहां पर जानबूझ कर अपना दिमाग यूज करते हुए वर्क करूंगा कि यदि मैं एक्स की वैल्यू कोसेकेंट थीटा पुट करूं तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स यहां पर वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ, मैं लिखूं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन जो होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन जो होता है वो होता है कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा मैं यदि यहां से देख रहा हूं तो ये आ रहा है टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो यू गेट टेन इनवर्स वन अपॉन कोट थीटा इज देयर। अच्छा वन अपॉन कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा होगा, टेन इनवर्स टेन थीटा होगा तो इट विल बी इजी फॉर यू। अब यहां से थीटा की वैल्यू यदि आप निकालना चाहोगे तो वो क्या होगा, दैट इज कोसेकेंट इनवर्स एक्स, तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो कोसेकेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा, दैट इज आंसर। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन हमारे पास है, इफ यू सी आप देखें तो हमारे पास जो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवन, जहां पर आपने टेन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स, ध्यान रखना अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स एंड वन प्लस कॉस एक्स को सोल्व करना है, इसके लिए आपको वन में कोस एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू होता है, और वन प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू होता है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको तो राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में तो डेफिनेटली हमें फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां से टेन इनवर्स अंडर रूट की फॉर्म में, ध्यान रखना ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू है, नीचे टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यू गेट टेन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, यू गेट अ टेन इनवर्स टेन एक्स बाय टू, क्योंकि आपने यहाँ सपोज कुछ किया ही नहीं था तो इसलिए एक्स बाई टू ही होगा। रीजन देना चाहो तो कह सकते हो कि टेन इनवर्स टेन थीटा जो है वो थीटा होगा, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट इसी में जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट, ये टेन इनवर्स क्वेश्चन है कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास है।
मुझे यहाँ पर सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली मैं इसके अंदर फार्मूला बनाने की कोशिश करूंगा। यदि मैं ये कहूं कि डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स, तो मेरे पास ये बन क्या जाएगा, टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, न्यूमरेटर को भी कोस एक्स से डिवाइड कर दो आप, और जो डिनोमिनेटर है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको भी आप कोस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास क्या जाएगा, दैट इज टेन इनवर्स, सेपरेट सेपरेट कर दें आप, कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ऐसे ही डिनोमिनेटर के अंदर भी कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। आप देख रहे हैं कैंसिल होगा, यू गेट वन, ये भी वन हो जाएगा, ये टेन बन जाएगा आपके पास। टेन इनवर्स वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। अब आपके दिमाग में ये फार्मूला होना चाहिए कि एक्चुअल में टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है वो वन माइनस टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन एक्स का फार्मूला होता है, ठीक है। टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स का फार्मूला होता है बिकॉज, ठीक है ना, ऐसा होता है। इसलिए मेरे पास जो ये है टेन इनवर्स टेन फाइव बाय फोर माइनस एक्स लिखा जा सकता है। तो आंसर आपके पास डेफिनेटली फाइव बाय फोर माइनस एक्स होगा, रीजन आप वो दे ही सकते हैं, बार बार हम दे रहे हैं कि टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं वन बाय वन। देखिए आगे हम क्वेश्चन कुछ और मूव करेंगे थोड़ा सा, लाइक क्वेश्चन नंबर 9th पे हम वर्क कर लेंगे, जहां पर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे जितने क्वेश्चंस, उतना ही आपको ट्रू दैट के अंदर भी बेनिफिट होगा। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पर बैक हम चलें और देखें, तो मैंने आपको ये फार्मूले भी डिस्कस किए थे, ये वाले फॉर्म, ठीक है। जब मैंने ये फार्मूले डिस्कस किए तो आपको बताया था कि आप ध्यान रखें, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पर ए साइन थीटा या ए कोस थीटा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर टेन चाहिए तो ऊपर साइन होना जरूरी है, तो बेटर है आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए साइन थीटा पुट कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या आएगा, दैट इज ए साइन थीटा अपॉन, यहां से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा क्या, यहां पर आपके पास बचेगा दैट इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पर आपको ये पता होना चाहिए कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा, बिकॉज करके आप देख सकते हैं ये होता है। तो आपका रहेगा दैट इज टेन इनवर्स दैट इज ए साइन थीटा अपॉन, यहां से अंडर रूट में ही टर्म है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, तो ए से भी अंडर रूट कैंसिल हो गए, कोस स्क्वायर से भी कैंसिल हो गए, आपका आएगा क्या, दैट इज टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा होगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यू गेट टेन इनवर्स टेन थीटा इज देयर, टेन इनवर्स टेन थीटा इज देयर। तो टेन इनवर्स टेन थीटा तो थीटा होता है, और यदि आप यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, दैट विल बी द योर आंसर, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th जो है सिंपलेस्ट फॉर्म का इसका, वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे।
दैट इज 3a² x - x³ / a³ - 3ax² राइट। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या रखा है कि a की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड x की वैल्यू -a/√3 एंड लेस देन इक्वल टू a/√3 इनके बीच में लाइक करती है। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा कि डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a³। देखो क्योंकि हमारे पास 10 इनवर्स है ना, मैं 10 इनवर्स का ही फार्मूला बनाने के चक्कर में हूँ। तो फार्मूला बनेगा क्या वो देखते हैं। यहाँ पर 1 होना जरूरी है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट दे रखे हैं ये 1 होना जरूरी है। तो इसलिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही किससे ए क्यूब से डिवाइड करूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए क्यूब। मेरे पास क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3a² x - x³, इसको भी ए क्यूब से डिवाइड करूंगा, और a³ - 3a² / a³ इसको भी मैं ए क्यूब से डिवाइड करूंगा। तो फाइनली मेरे पास होगा क्या 3a² x / a³ - x³ / a³ / a³ / 3ax² / a³। ठीक है, ये जो सॉल्व होगा a स्क्वायर से ये कैंसिल होकर a आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा, दिस विल बिकम 1, इससे ये कैंसिल होकर स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली क्या आया आपके पास, दैट इज 10 इनवर्स 3x / a - x / a³। यहाँ पर 1 - 3x / a² तो आप यहाँ से देखें और समझें, यदि आप पुट कर देते हैं क्या x / a को tan थीटा, तो ये आपके पास बन जाएगा कि 10 इनवर्स 3 tan थीटा - tan³θ / 1 - 3 tan²θ, जो कि हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है 10 इनवर्स 10 3θ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो कि आंसर क्या आएगा 3θ। जबकि हम यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा 10 इनवर्स x / a, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 tan inverse x / a। ठीक है, तो इन दिस वे ये हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट टर्म क्वेश्चन हो जाते हैं सेकंड मार्कशीट के, राइट। रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप कि आपको ये बेटर तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो को बार बार देखें, और डेफिनेटली इस वीडियो को आप शेयर भी करते रहिए, लाइक भी कर लिए, सब्सक्राइब भी कर लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपनी वीडियोस के अंदर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस भी लेके आएंगे, एंड देन फिर कुछ रेफरेंस के बहुत ही अच्छे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो कि एंट्रेंस लेवल पर भी और बोर्ड लेवल पर भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप इसी तरीके से सबसे पहला काम आप ये काम जरूर करें कि आप हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट हम जो भी नया कुछ आपके लिए अच्छे से अच्छा डालें तो उसका आपको बेनिफिट हो, हमें तो बेनिफिट होगा ही होगा, डेफिनेटली हमें बेनिफिट होगा। तो हम लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप हमारे बहुत अच्छे से सब्सक्राइबर बने, और जितने भी बढ़िया से भी आप अपने व्यूवर्स के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे और लेके आएंगे और समझाएंगे आपको, ठीक है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ भी रही है किसी टाइप की तो आप मुझे मुझे वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, जो और व्यूज हैं जो आपके वो व्यूज भी डाल सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।